हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अयाद संधि पढ़ेंगे। अयाद संधि का सूत्र होता है एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। इसके नियम को देखते हैं, क्या नियम कहता है अयाद संधि का, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अयाद संधि। नियम कहता है यदि ए ओ ए आओ के बाद कोई भी स्वर आए, ए ओ ए आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आए, ए का क्या होता है ए, ओ का आव और ए का आय हो जाता है तथा आओ का आव हो जाता है, ठीक है। यानी ए ओ ए आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ए होता है, ओ का आव होता है, ए का आय होता है और आओ का आव हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए ने धन अनम, न में ए है यानी इसको कह रहा है, तो ए और अ, ए और अ मिलकर क्या बन रहा है, कोई भी स्वर हो, कह रहे हैं ना, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। तो ए न में ए है तो ए धन अ क्या हो जाएगा, आय। तो क्या हो जाएगा, न में ए, न ए जो परिवर्तित हो गया आय में, तो यहाँ न बचा हलंत वाला न, तो आय जब जुड़ता है तो न या नम क्या हो जाएगा, न या नम, नयनम, ठीक है। यानी आय हो जा रहा है, ए का आय हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देखते हैं, शे धन अन, शे यानी ए है, ए क्या हो जाएगा, आय में परिवर्तित होगा, ए और आय में अ मिलकर क्या हो जा रहा है, आय, तो क्या हो जाएगा, शयनम यानी शयन, शयनम या शयन, ठीक है। से धन अन क्या हो जाएगा, शयन। इसी तरह आइए गए धन अकह, अब देखिए गए है ए, ए का क्या हो रहा है, ए का आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय। तो गए धन अकह ए है, ए और अ मिलकर क्या हो रहा है, आय, क्या हो रहा है, आय। यानी ए का आय और आय का आय, तो गए धन अकह क्या हो जाएगा, गायक, क्या हो जाएगा, गायक। यानी ग हो जाएगा और आय जुड़ेगा तो गा या कह, गायक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह नए धन इका, यहाँ भी ए है, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा और इसमें ई है, कोई भी असमान स्वर, कोई भी स्वर है तो ई है, तो आय में क्या हो जाएगा, ई लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना नम ना, ए बदल गया आय में तो क्या हो जाएगा, ना ई का, क्या हो जाएगा, नायिका, नए धन इका। तो ए का क्या हो जा रहा है, आय हो जा रहा है और ई जुटेगा तो आई हो जाएगा, इस प्रकार जो है क्या हो जाएगा, न में आ की मात्रा लगेगी, आ ई का, नायिका, ठीक है। उसी तरह आगे आगे देखते हैं भो धन अन, अब देखिए ओ, ओ कौन है, ओ का क्या हो रहा है, अव, ओ का क्या हो रहा है, अव। भो धन अन यानी भवन, ओ और अ मिलकर क्या हो रहा है, अव, क्या हो रहा है, ओ का अव हो जाता है। ओ धन अ बराबर क्या होता है, अव, तो क्या हो जाएगा, भवन, क्या हो जाएगा, भवन। ओ धन अन, ओ धन अन, तो ओ का क्या हो रहा है, ओ यानी ओ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, अव, तो क्या हो जाएगा, पवन। ओ धन अन का क्या हो जाएगा, पवन। अब उसी तरह पो धन इत्र, तो क्या हो जाएगा, ई है तो अभी हो जाएगा, ई है तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। यानी ओ और ई मिलकर के क्या हो रहा है, अभी, तो क्या हो जाएगा, पवित्र। ओ धन इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र, क्योंकि ई है तो ई मात्रा लग जाएगी, ओ का अव होता है, अव और ई जो है मात्रा लग जाएगी, ई यदि अ रहता तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर ई है
तो क्या हो जाएगी मात्रा, कोई भी मात्रा कोई भी स्वर आता है वह स्वर उसमें दर्शाना पड़ता है, ठीक है ना। पोधन ई यानी क्या हो जाएगा अवि, तो पोधन इत्र का क्या हो जाएगा पवित्र। उसी तरह पौधन अन, अब देखिए औ, औ का क्या हो रहा है, औ का आ हो रहा है, क्या रहा है आव, तो पौधन अन यानी औधन अ बराबर आ, औधन अ का क्या होगा आ होगा, पौधन अन यानी पावन, क्या हो जाएगा पावन, पौधन अन पावन, औ और अ मिलकर क्या बन रहा है आव, ठीक है। उसी तरह नौ धन इक, नौ क्या है औ है, औ का क्या हो रहा है आव, तो औ धन ई यानी औ, औ धन ई मिलकर क्या हो रहा है आवी, यानी औ का आव और ई जुटेगा उसके साथ तो क्या हो जाएगा आवी, क्या हो जाएगा आवी, यानी नौ धन इक क्या हो जाएगा नाविक, क्या हो जाएगा नाविक। भाव धन उक, भाव औ है, भाव में औ है यानी भाव का विच्छेद करेंगे तो औ निकलेगा औ, और उ तो औ का क्या होता है आव, आव होता है और उ जुटेगा तो क्या हो जाएगा आऊ, क्या हो जाएगा आऊ, यानी भाव धन उक बराबर भावुक, भाव धन उक बराबर क्या होगा भावुक, ठीक है समझ में आ रहा है ना। भाव में क्या है औ है और ये उ, आव का क्या हो रहा है आव का आ हो रहा है, क्या हो रहा है आव, आव में उ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आव हो जाएगा, यानी भाव धन उक क्या हो जाएगा भावुक। उसी तरह कलव धन ईव, लव में क्या है अव है और ई है, अव का आव और ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आदि हो जाएगा, अव का आव होता है ना ये आव ये वाला है, इसमें अगर ई जुड़ता है तो क्या हो जाएगा आदि, तो क्या हो जाएगा कलो धन इव कला विव, क्या हो जाएगा कला विव। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको आयादि संधि समझाने का प्रयास किया, आप इसे नोट डाउन करेंगे, इसके सूत्र को याद रखेंगे और इसके नियम को अच्छी तरह से समझेंगे और इसे भी याद रखेंगे और उनके उदाहरणों को भी समझ करके और अच्छे से इनको फिर से करेंगे, ठीक है।